अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन. टुडे इज लेक्चर नंबर 9 ऑफ साइंस. इन दिस लेक्चर वी विल कवर द टॉपिक ऑन पेज नंबर 14 एंड 15, एज वी आर ऑन चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 2, फूड एंड अ बैलेंस्ड डाइट. इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव कवर्ड the topic food groups, in which two groups were left, and today we will cover these two topics and then other topics of on page number 14 and 15. आपने previous जो आपने देखा, आपने पढ़े थे food groups जो carbohydrates थे, dietary fiber, proteins, fats थे. इसमें जो दो groups वो रह चुके थे वो आज हम cover करेंगे, जो थे minerals and vitamins. अब मिनरल्स जो है वो क्या है? हमारी बॉडी में जो मिनरल्स, हमारी बॉडी को जो है मतलब थोड़ी अमाउंट में ये मिनरल्स बहुत ज़रूर चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को. दीज आर नीडेड इन स्मॉल अमाउंट्स बाय वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. हमारी कुछ बॉडी के हिस्सों को मिनरल्स ज़रूर चाहिए होते हैं, बट मतलब थोड़ी अमाउंट में. ठीक है, आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन एंड साल्ट, ये सब क्या है? हमारे मिनरल्स हैं. ठीक है, कौन कौन से? आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, आयोडीन एंड साल्ट, दीज आर और मिनरल्स. ठीक है, कैल्शियम इज़ गुड फॉर बोन्स एंड टीथ. अब कैल्शियम हमें किसके लिए चाहिए होती है? टीथ के लिए एंड बोन के लिए, विच मेक और टीथ एंड बोन स्ट्रॉन्ग. आपने प्रीवियस फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि आप अपनी बोन्स को कैसे स्ट्रॉन्ग रख सकते हैं, बाय टेकिंग टू मच कैल्शियम, बाय टेकिंग इट इन राइट अमाउंट. ठीक है, अगर आप राइट अमाउंट में कैल्शियम लेंगे तो वो आपकी बोन्स के लिए और टीथ के लिए जो है वो बहुत बेनिफिशियल है. अब मिनरल्स की अगर हम एग्जांपल पे बात करते हैं तो हमें मिनरल्स कहाँ कहाँ से जो है वो मिल सकती हैं. ठीक है, इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स कौन कौन से हैं, हमारे जो आयरन है, आयरन, कैल्शियम है, ये लिखें, सेलेनियम है, फॉस्फोरस है और मैग्नीशियम है, आयोडीन है, ये सारी हमारी क्या हैं? मिनरल्स. आयोडीन आपको पता, नमक जो आप साल्ट होता है उसमें आप देख सकते हैं आयोडीन को. उसके अलावा आयरन जो है वो आपके स्पिनच में, आपके जो है डिफरेंट कैरेट में आपके देख लें, आपको आयरन मिलेगी. और इसके अलावा जो है आप लीवर में भी आपको जो है आयरन मिलती है. इसके अलावा जो है आयरन आपको डिफरेंट चीज़ों में मिल सकते हैं. कैल्शियम मैंने आपको बताया कि कैल्शियम भी हम जो है वो ले सकते हैं अपनी मिनरल्स की, जो अपनी बॉडी में मिनरल्स की जो चाहिए होती है उसको हम कैल्शियम के तौर पर भी ले सकते हैं स्ट्रॉन्ग बोन्स एंड टीथ के लिए. इसके अलावा मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, ये हमारी बॉडी को मतलब किसी किसी ना पार्ट को जो है वो इनकी ज़रूरत होती है. अब कैल्शियम में आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं. कैल्शियम से आप जो है वो एग्स में भी कैल्शियम होती है, आपके डिफरेंट वेजिटेबल्स में भी और फिश में भी. इनसे आप जो है वो कैल्शियम की जो है आपकी कमी जो है वो बॉडी को पूरी हो सकती है अगर आप इनको राइट अमाउंट में लेते हैं. अब सेकंड था विटामिन्स. ठीक है, सेकंड आपका था जो विटामिन्स था. दीज आर केमिकल्स विच योर बॉडी नीड्स इन स्मॉल अमाउंट. अब विटामिन्स की भी आपकी बॉडी को ज़रूरत होती है. ठीक है, हम अक्सर जो है अपने विटामिन्स नहीं ले रहे होते तो क्या होता है कि हम मल्टी विटामिन्स यूज़ कर रहे होते हैं टैबलेट्स, एज अ टैबलेट या सप्लीमेंट में. ठीक है, जिससे हमें विटामिन्स मिलती हैं, लेकिन उससे बेहतर है कि हम अपने विटामिन डेफिशेंसी को जो है वो वेजिटेबल्स से और जिन जिन चीज़ों में हमें विटामिन्स मिलते हैं हम उन को लेकर ही पूरा करें. ठीक है, अब देखें विटामिन्स में जो है हमें क्या फ़ायदा है कि विटामिन्स जो आपकी बोन्स को भी स्ट्रॉन्ग रखेंगी और स्किन को भी जो है वो आपकी बहुत ग्लोइंग रखेंगी, बहुत जो है वो एनर्जेटिक आपकी बोन्स रहेंगी, आपकी बॉडी रहेगी विटामिन से. ठीक है, इसलिए जो है विटामिन जो है आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है. और विटामिन से क्या होगा कि आपकी आई सेट भी जो है वो बहुत अच्छी रहेगी. ठीक है, और ये आपको जो है वो एनर्जी देंगी. ठीक है, ये विटामिन्स के जो है बहुत सारे जो है वो बेनिफिट फिट्स आपने यहाँ पे देखे. इसके अलावा देखें, अब आप लुक एट दिस, यू कैन सी आपके पास कौन कौन से जो थे विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन B9, B12, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के. अब देखिए विटामिन ए है जो वो आपके जो है आई डिसऑर्डर, जैसे आपकी आँखों में कोई प्रॉब्लम है या स्किन इन्फेक्शंस के लिए बेनिफिशियल है. विटामिन B9 जो है वो आपके न्यूरल ट्यूब जो डिफेक्ट होती हैं उनके लिए आपकी जो है वो यूज़फुल है. उसके अलावा विटामिन B12 आपको जो है वो सिम्टम्स जैसे एनेमिया होता है, सिम्टम्स जैसे खून की कमी, किडनी और लीवर
डिसऑर्डर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। विटामिन सी जो है वो आपके कैंसर और कॉमन कोल्ड जो है और डिफरेंट डिजीज़ को जो है वो आपकी क्योर करता है। विटामिन डी जो है वो आपको क्या करता है, आपके टूथ डिके, डायबिटिक्स और इस तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं आपकी बॉडी में वो आपकी जो है वो क्योर करता है। उसके अलावा विटामिन ई जो है वो ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो प्रॉपर वर्क देता है। और विटामिन के जो है वो आपकी डिफरेंट प्रॉब्लम्स को जो है वो कवर करता है। ठीक है, ये आपके डिफरेंट जो हैं पोर्शंस हैं कि जो विटामिन हमें मिलते हैं उनमें जो पाए जाते हैं, और इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी के हर ऑर्गन को एक्टिवेट रख सकते हैं और डिफरेंट डिजीज़ से जो है वो क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। अब इसके अलावा आपने देखना है कि आपके विटामिन्स ने आपके प्रिवेंट करते हैं आपके इन्फेक्शंस को, आपके वाउंड्स को हील करते हैं। ठीक है, आप विटामिन्स की एग्जांपल की तरफ आते हैं तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे पास विटामिन्स ए बी सी डी एंड के हैं। ठीक है, अब B12 भी है हमारे पास और B9 भी है। और विटामिन डी जो हम बहुत ईजीली अपनी स्किन के लिए ले सकते हैं, वो किससे ले सकते हैं, सनलाइट से। सनलाइट से हम जो है वो अपना विटामिन डी बॉडी का जो है वो हम पूरा कर सकते हैं। ठीक है, अब लुक एट दिस, विटामिन ए का जो है आप डिफरेंट अब कहाँ से ले सकते हैं, आप जो है वो पीची से, मीट से, एप्रिकॉट से, एग से, फिश से, स्वीट पोटैटो से, और जो इन चीज़ों से आप अपने जो है विटामिन ए की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। उसके अलावा विटामिन बी ग्रुप जो है वो आप जो है अपनी ऐसी चीज़ें जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या डिफरेंट वेजिटेबल्स से भी आप जो है वो इनको ले सकते हैं, जैसे मीट से, फिश, एग, मिल्क, और इन चीज़ों से आप, नट्स से भी आप विटामिन बी ले सकते हैं जो आपकी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसके अलावा विटामिन के जो है वो आप वेजिटेबल्स, एग, योक, मिल्क, मीट और उसके अलावा सॉरी मीट था मिल्क नहीं, और उसके अलावा चीज़ और डेयरी प्रोडक्ट और स्पाइनच, डिफरेंट जो वेजिटेबल्स ग्रीन कलर की, इनसे आप विटामिन के जो है वो ले सकते हैं। और विटामिन डी सबसे जो है मोस्ट अपर सोर्स जो है वो आपकी सनलाइट है। उसके अलावा आप एग से, रॉ मिल्क से, मशरूम से, आप जो है वो डिफरेंट फिशेस से आप अपनी जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी को कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन सी आप जो है वो सिट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है, जैसे आपके ग्रेप फ्रूट, ऑरेंजेस, आपका जो लेमन और कीवी, इन चीज़ों से जो है आप विटामिन सी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को अपनी डाइट में ज़रूर रखा कीजिए। उसके बाद आपका टॉपिक है फूड पायरामिड। अब फूड पायरामिड देखें, आपके आपने ये तो देख लिया कि आपने जो है वो बैलेंस डाइट लेनी है, राइट अमाउंट में लेनी है, लेकिन अब क्या लेना है, कैसे लेना है, ये आपको कैसे पता चलेगा। अब हाउ मच शुड वी ईट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड, हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड अब कितना लेना चाहिए, हाउ डू वी नो इफ़ द फूड्स वी आर ईटिंग आर गुड फॉर अस, अगर हम कोई चीज़ खा रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे लिए अच्छी है या नहीं है, हाउ मच ऑफ ईच काइंड ऑफ फूड शुड वी ईट, और हर फूड की किस्म को हमने कितना लेना चाहिए, तो इन चीज़ों का जवाब हमें क्या दे, कौन देता है, फूड पायरामिड। ठीक है, फूड पायरामिड एक ऐसी गाइड है जो हमें हेल्प करती है इन सवालों के जवाब देने में कि हमें कौन सा खाना, कैसा खाना, कितना लेना चाहिए, और हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा खाना जो हमारे लिए वो बहुत बेनिफिशियल होगा। अब फूड पायरामिड को क्या किया गया है कि डिफरेंट जो है वो फूड्स में डिवाइड किया गया है जो हम कॉमनली खाते हैं। ठीक है, फूड पायरामिड एक जो आपको फुल एक चार्ट होता है जिससे आपको गाइडेंस मिलती है कि कौन सी फूड, कौन सा फूड आपने कितने प्रोपोर्शन में लेना है, कितना लेना है, और कौन सा आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन सा हार्मफुल है, और किसकी कितनी रेंज आप ले सकते हैं। ठीक है, उनमें जो फर्स्ट आपका ग्रुप्स जो हैं आपके फूड पायरामिड में, उनको डिवाइड किया गया है ग्रेन्स में, वेजिटेबल्स में और फ्रूट्स में, फिर उसके अलावा उनमें मीट एंड बीन्स में उनको डिवाइड किया गया है, फिर उसके अलावा उनको मिल्क, शुगर, चीज़ जो डेयरी प्रोडक्ट हैं उनमें इनको किया गया, फिर उसके बाद फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स में इसको किया गया, एक आपका पायरामिड जो है वो बनाया गया। ठीक है, यू कैन सी ऑन पेज नंबर 15 ऑन योर बुक,
लुक एट दिस दिस वन और दिस ऑल आर योर ग्रेन्स, देन ये आपके वेजिटेबल्स हैं, ये आपके फ्रूट्स हैं, फिर मीट्स एंड बीन्स जो भी वो आपके होते हैं, उसके अलावा ये आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, और उसके एंड पे आपके जो हैं फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स, ये सारी जो हैं क्या हैं फूड पैरामिड की आपके पास क्या है एक पूरा चार्ट है, जिसमें आपको बताया गया है कि आप कोई सी जो है अपने डेली रूटीन में आप कितना क्या चीज़ ज़्यादा ले सकते हैं, ग्रेन्स को आप अपनी डाइट में कोई सी भी 6 जो है वो आप डाइट में ले सकते हैं डेली, उसके अलावा आप वेजिटेबल्स को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं उससे कम पे के तौर पर, और सबसे कम जो आप चीज़ ले सकते हैं वो कौन सी है आपकी डेयरी वो फूड पैरामिड में, फैट्स, ऑयल्स एंड स्वीट्स जो आपके लिए हार्मफुल भी होती हैं अगर आप इनको ज़्यादा ले लें, इसीलिए इनकी जो है बहुत स्मॉल अमाउंट जो है आपने अपनी डाइट में शामिल करनी है। यू कैन सी एन अदर फूड पैरामिड जिसमें देखें ग्रेन्स सबसे ज़्यादा है, उसके अलावा आपका जो है वो हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं, मीट, पोल्ट्री, आपके जो फिशेस हैं, एग्स, डेयरी जो हैं, ड्राई बीन्स, ये सब इसमें आते हैं, फैट्स, ऑयल्स जो हैं आपके लिए जो क्या है आपने क्या करना है इनको लेस लेने हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा आप क्या ले सकते हैं, आप मोस्ट जो ले सकते हैं वो ग्रेन्स ले सकते हैं, और उसके अलावा आप जो वेजिटेबल्स को फ्रूट्स को भी आप जो हैं वो ज़्यादा ले सकते हैं, और जो मीट, पोल्ट्री, फिश, एग्स, इनको आप जो हैं वो एक मॉडरेट टाइप में मतलब ले सकते हैं, मतलब ज़्यादा ना ज़्यादा लें आप और ना ये कम लें, ठीक है, प्रॉपर इनका प्रोपोर्शन ले सकते हैं आप। और इसके अलावा फैट्स, ऑयल, स्वीट्स को तो आप बहुत जो है वो कम यूज़ करें अपनी लाइफ में, क्योंकि ऐसे आप यू नो कि अगर आप फैट्स और ये ज़्यादा लेते हैं ये आपको बॉडी को भी मोटा करते हैं, और स्वीट से आपके दांत भी ख़राब होते हैं, इससे डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इसमें है पेज नंबर 15 पे है वाटर एंड एक्सरसाइज, ठीक है, वाटर एंड एक्सरसाइज में जो फर्स्ट है टॉपिक वो है वाटर, ठीक है। वाटर क्या करता है कि हमारी पूरी बॉडी में हर ऑर्गन को प्रॉपर फंक्शन करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है, इसीलिए कहा जाता है कि अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखा करें, ज़्यादा पानी पिया करें, ताकि आपका हर बॉडी पार्ट अपने का सॉरी हर बॉडी ऑर्गन जो है वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। फॉर प्रॉपर एंड एफिशिएंट बॉडी फंक्शंस इट इज़ नेसेसरी टू ड्रिंक प्लेंटी ऑफ फ्रेश एंड प्योर वाटर डेली, और मस्ट है कि आपका पानी जो है वो बहुत साफ़ सुथरा साफ और ताज़ा होना चाहिए, फ्री ऑफ जर्म्स होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा यू शुड ड्रिंक 6 to 8 ग्लास वाटर डेली, क्या आप पीते हैं 6 to 8 ग्लास वाटर? अगर आप नहीं पीते तो आज ही से आपने क्या करना है 6 to 8 ग्लास वाटर डेली पीना है, ठीक है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपने 6 to 8 ग्लास वाटर भी अपनी डाइट के साथ ज़रूर लेना है डेली बेसिस पे, ठीक है, ताकि आप बहुत एनर्जेटिक रहें। अब बेनिफिट्स क्या होंगे इसके वाटर और इन चीज़ों के आपकी बॉडी में जो है किस किस पार्ट को आपकी ऑर्गन्स को आपका जो है अगर आप ज़्यादा पानी पीते हैं तो कौन कौन सा ऑर्गन जो है प्रॉपर फंक्शन करता है। देखिए आईज जो है 95% जो है वो वाटर यूज़ करती है, हार्ट, लंग्स 83%, हार्ट 75%, बोन्स 31%, मसल 75%, किडनी 79%, ब्लड 94%, ब्रेन 73%। यू कैन सी अगर आप पानी नहीं पीते डेली 6 to 8 ग्लासेस तो आप कितने अपने ऑर्गन्स के साथ जो है वो बुरा कर रहे हैं, क्योंकि आपके हर ऑर्गन को ही ऑलमोस्ट वाटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसीलिए आपने डेली 6 to 8 ग्लास वाटर जो है वो मस्ट लेने हैं। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज, वाटर एंड एक्सरसाइज का ही टॉपिक है आपका एक्सरसाइज विच इज़ ऑन पेज नंबर 15। अलॉन्ग विथ हेल्दी डाइट यू ऑल्सो नीड टू बी फिजिकली एक्टिव, अगर आप अपनी आपकी डाइट हेल्दी है तो आपके लिए मस्ट है कि आपकी जो है आपकी आप फिजिकली भी एक्टिव हो, ठीक है। एक्सरसाइज मेक्स यू फील गुड, अब आप फिजिकली एक्टिव कैसे रह सकते हैं बाई डूइंग लॉट ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज आप करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत एक्टिव रहेगी और आपकी बॉडी जो बहुत अच्छा फील करेगी, ठीक है। इट इसका फ़ायदा क्या है कि ये इट इम्प्रूव्स योर ब्लड सर्कुलेशन एंड कीप द बोन्स एंड मसल स्ट्रॉन्ग, ये आपकी ब्लड सर्कुलेशन को जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करती है और उसके साथ आपके मसल्स और बोन्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं अगर आप जो हैं वो एक्सरसाइज करते हैं। अब जो आप अपनी चॉइस की कोई सी भी आप एक्सरसाइज चूज़ कर सकते हैं, अब आप आजकल बिल्कुल घरों में हैं और मॉर्निंग में या इवनिंग में,
या रात को आप कोई भी जो है इनमें से एक्सरसाइज पिक कर सकते हैं, ठीक है। जो एक्सरसाइज इनमें से देख सकते हैं आप, लाइक प्लैंक्स, पुशअप्स, तो आप बच्चों को बहुत अच्छे आते हैं, क्रंची, साइकिलिंग, लंजीज या रनिंग, आप इनमें से कोई सी आप एक एक्सरसाइज जो बहुत इजी है आप अपने घर में कर सकते हैं, ठीक है। लाइक रनिंग, साइकिलिंग और पुशअप्स आपके लिए आई थिंक बहुत इजी हैं, आप इनको अपने घर में कर सकते हैं रात के वक्त, या मॉर्निंग में करेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदा होगा। इसीलिए आपने अपनी जो है डेली, अब आजकल से ही आपने क्या करना है, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज को भी जो है वो इन्वॉल्व रखना है, आपने एक्सरसाइज भी करनी है। अब बेनिफिट क्या होंगे अगर आप मॉर्निंग एक्सरसाइज करते हैं, इंक्रीज एनर्जी, आपकी इंक्रीज एनर्जी बहुत ज़्यादा जो हो जाएगी। फिर आप स्कूल में जब आएंगे तो आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करेंगे, आप स्कूल में भी बहुत एक्टिव रहेंगे, उसके बाद आपका मेटाबॉलिज्म जो बूस्ट करेगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे, आपका मूड बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको नींद भी बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। इसीलिए आप में इनमें से कोई भी एक्सरसाइज चूज़ करें और अपनी डेली बेसिस पे आपने एक्सरसाइज करनी है। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आपका ये टॉपिक, आपका ये जो चैप्टर था आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है, जिसमें आपको सब कुछ बताया गया कि आप क्या क्या चीज़ ले सकते हैं, कैसे ले सकते हैं, कितनी ले सकते हैं और किससे आपके कौन कौन से विटामिन्स होते हैं, आपको कौन से विटामिन्स चाहिए होते हैं बॉडी के लिए, और आप जो हैं अपनी बॉडी के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो सकते हैं, आप फिर स्टडी पे फोकस भी कर सकते हैं और आप हर काम इजीली बहुत आसानी से कर सकते हैं, और सबसे बढ़कर अगर आप इस चैप्टर को फॉलो कर लेंगे तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी रहेगी और आप इंशाल्लाह बिल्कुल हेल्दी रहेंगे। अगर आप अपनी डाइट में जो है वो हर चीज़ को एक राइट प्रोपोर्शन में इंक्लूड करेंगे, उसके अलावा स्वीट्स से आप ज़्यादा स्वीट लेने से अवॉइड करेंगे, और आप डेली एक्सरसाइज करेंगे, और सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपने 6 to 8 glass वाटर लेना है, तो आप देखेंगे आप बहुत अच्छी लाइफ जो है वो इंशाल्लाह गुजारेंगे और बहुत हेल्दी लाइफ गुजारेंगे। देखिए, सो ईट राइट, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, बी एक्टिव एंड लीव अ हेल्दी लाइफ। ये चैप्टर आपके लिए और मेरे लिए बहुत बहुत इंफॉर्मेटिव भी था और बहुत अच्छा था, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत जानने को मिला, और इससे हम बहुत बहुत जो है वो नॉलेज लिया हमने कि हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आई एम श्योर कि आपको ये चैप्टर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और आप इसको पढ़ने के साथ साथ आप इस चैप्टर के ऊपर लाजमी अमल भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपका जो सेकंड टॉपिक है, सो लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, वो है कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड, ठीक है। अब देखें, आपके घर में फूड्स, वेजिटेबल्स आते हैं, फ्रूट्स आते हैं, तो आपने उनको जो है वेजिटेबल्स को पकाना भी होता है और उनको जो है प्रिजर्व भी करना होता है, फ्रूट्स को भी प्रिजर्व करना होता है। तो अब उनके लिए सबसे पहले क्या होता है कि वेजिटेबल्स जो आते हैं उनके लिए मतलब मस्ट है कि आप उनको वॉश कर लें खाने से पहले, जो भी आप वेजिटेबल या फ्रूट लेते हैं, ठीक है, रॉ फूड सच एज वेजिटेबल, तो उनको क्या करना है, आपने सबसे पहले वॉश करना है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको वॉश करके लें, ठीक है। मैनी फूड्स आर कुक्ड, वी कैन फ्राई, बॉयल, स्टीम, बेक और रोस्ट। अब बहुत सारे खाने जो हम पकाते हैं, ठीक है, बहुत सी वेजिटेबल्स, या आप एग फ्राई कर लेते हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें जो बेक होती हैं, जो फ्राई होती हैं, फ़िश फ्राई होती है, जो बॉयल, एग बॉयल, पोटैटो बॉयल, स्टीम, बहुत सी अक्सर चीज़ों को हम स्टीम देते हैं या बेक करते हैं, जैसे केक बेक या बिस्किट बेक होते हैं, और कुछ चीज़ों को रोस्ट करते हैं, ठीक है। अब कुकिंग किल्स जम्स इन फूड, कुकिंग का मेन पर्पज़ क्या है कि जब कुकिंग करते हैं तो ये आपके फूड में से जम्स को ख़त्म करते हैं। ऑल द मिनरल्स एंड विटामिन्स आर रिमूव फ्रॉम फूड इट इफ़ इट इज़ ओवर कुकड। अगर आप ओवर कुक, अगर आप ज़्यादा पका लेते हैं किसी चीज़ को, तो इसमें से वो जो मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं वो आपके फूड में से रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसीलिए आपने कुक उस पे रख करना है जो उसकी रिक्वायर्ड है, खाने की जो रिक्वायरमेंट होती है कुक की, आपने उस पे ही आपने करना है, ओवर कुक नहीं करना। फूड्स कैन बी फ्रोजन और प्रिजर्व टू प्रिवेंट देम फ्रॉम स्पॉइलिंग। फूड को हम, आपने देखा बहुत सारे आपके घर में कैनन्स के कोई भी नगर्स भी होते हैं, बहुत से ऐसे फ्रोज़न आइटम्स होते हैं जिनको आप फ्रीज़ कर लेते हैं ताकि वो ख़राब होने से बच सकें, ठीक है।
अब इसमें क्या देखें, आपने आपने हर वेजिटेबल को वॉश करना है उसमें, उसके बाद आप कैंस में या टिन्स में इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। कि किसी भी वेजिटेबल्स को कट करके अगर आपने प्रिजर्व करना है तो इसको आप ऐसे प्रिजर्व कर सकते हैं, या आप इनको फ्रिज में भी रख सकते हैं, या ऐसे भी अक्सर सब्जियों को या आपकी जो पल्सेस इनको आप, या आपके मीट को आप इस तरह से अपने फ्रिज में इन पैकेट्स में रख सकते हैं। उसके अलावा ये इन चीज़ों को आप कुक कर सकते हैं, ऐसी चीज़ों को बेक और ये फ्राई कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप कुकिंग एंड प्रिजर्विंग फूड्स में देखेंगे। सो स्टूडेंट, टुडे डायरी इज लर्न ऑब्जेक्टिव ऑफ पेज नंबर 14 एंड 15। आपने ये दो पेजेस पढ़े, इनके ऑब्जेक्टिव आपने बहुत अच्छी तरह से याद करनी है। हर मिनरल्स एंड विटामिन्स में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से आपके मिनरल्स हैं और कौन कौन से चीज़ों में आपके विटामिन्स होते हैं, और कौन कौन से इंपॉर्टेंट विटामिन्स हमारे अंदर जो हैं ए बी सी डी एंड के हैं। और इसके अलावा विटामिन डी इज़ मेड बाय द स्किन इन सनलाइट, इसको भी आपने अंडरलाइन करना है। और जो इम्पॉर्टेंट लाइंस हैं उनको आपने ऑब्जेक्टिव के तौर पर प्रिपेयर करना है, ठीक है। इस चैप्टर को आपने बहुत अच्छी तरह से, बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि चैप्टर हमारे लिए बहुत बहुत जो है वो क्या है, बेनिफिशियल है। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक, अल्लाह हाफिज़।